वेल आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया। मैं एक चीज जरूर, नेजी के बारे में आई एम रियली सॉरी, बट नेजी का दिल बहुत साफ है। कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी, एंड आई थिंक वो पोर्ट्रे क्या करा गया है आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर बाहरी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। एक और चीज़, मैं उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया अराउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। आई थिंक डे वन से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था, लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस थी और मैं बहुत ही डिटर्मिन थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, एंड आई थिंक डिटर्मिनेशन इज़ योर की। ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उसे कभी बदतमीजी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप आई एम सॉरी बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है, मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करोगे, उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है, और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे ऐसे हाँ क्या, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ईसीजी में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है। मैं जिद्दी हूँ और मैं दीवा हूँ। मैं इतना ही बोलूँगी दैट मुझ में आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है, आई येस आई डू लव माई सेल्फ एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ, एंड अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं एंड आई थिंक वो दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी। रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक दो नहीं मैं बोलूँगी तीन दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था। अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था, दे डोंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न बट दे नेवर लाइक मी, एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार शिट शिट, बट जाते जाते विशाल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी, एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। यस, अब एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप थ्री में तुम किसको देखती हो, तो मैं अगर जर्नी इवेल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था, और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई यू नो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। सो आई थिंक डॉग्स डू बार्क सो लेट हिम बार्क। यस यस, मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, यस कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो चार बदमाश बच्चे थे, मैं शिवानी लवकेश विशाल हम चार वो बदमाश बच्चे
बाकी घर वालों के लिए थे कि ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग नोबडी लाइक्ड अस। सो और अगर देखा जाए तो ग्रुप्स में, दोनों ग्रुप्स में घर बट गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला उधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीजन से मेरे जो दो दोस्त थे वो बाहर निकले। मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वॉज नॉट डिजर्विंग। स्पेसिफिक रीजन, अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीजन कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीजन यही बोलता आया है कि मकबूल डिजर्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल दैट, बट उसका ओपिनियन इट्स ओके। बट मेरे ओपिनियन में साई, मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था। सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी की पुछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया। सो साई केतन मेरे लिए डिजर्विंग नहीं थे। कृतिका की बात करूंगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया, एंड शी नेवर गॉट नॉमिनेट, मतलब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी, तो आई थिंक सेफ प्ले कर ली। मैं एक चीज़ जरूर, नेजी के बारे में आई एम रियली सॉरी, बट नेजी का दिल बहुत साफ है, दिल का सच्चा है। और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना, वो डिजर्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरेगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था। और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे हैं मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर किए तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। दो आई डोंट लाइक हिम, बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। सो आई थिंक अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज़ नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप वीकेंड के बार में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड, बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर। इट उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा, तो मुझे भी बुरा लगेगा। कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली स्लोली क्लियर होती गई, तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला, एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे वन से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे वन से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो उस सिचुएशन को वो, क्योंकि हमें पता नहीं था, और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी, हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर बाहरी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है, तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट, बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज कर दें। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वेल आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया। बोल जल्दी बोल, एक तो वो सवाल काफी वायरल हुआ, ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, और अरमान के ऊपर एक क्यों किया है।
सी आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ, शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा है. एक और चीज़, मैं उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया अराउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है. तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ. तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर, अगर आपका करियर बना बनाया था तो आप इस शो में आए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं ना, तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी. उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया अराउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ. तो सर प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क. फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे.